नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसई समाचारों में प्रमुख है, इंडोनेशिया व तिमोर के बाढ़ पीड़ितों के लिए संत पिता ने प्रार्थना की, कैथोलिक पुरोहित ने जीता प्राइड ऑफ गुजरात पुरस्कार, रायपुर के महाधर्माध्यक्ष ने हमले की निंदा करते हुए वार्ता की अपील की, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा केवल वैक्सीनेशन से ही कोरोना को रोका जा सकता है, कोविड 19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उपवास। अब जानते समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया व तिमोर के बाढ़ पीड़ितों के लिए संत पिता ने प्रार्थना की। संत पिता ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वाटिकन के प्रेरितिक निवास की पुस्तकालय से सभी विश्वासियों से इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं हाल के दिनों में इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए अपनी प्रार्थना में याद करने का आश्वासन देना चाहता हूँ। प्रभु मृतकों का अपने राज्य में स्वागत करे, उनके परिवार को सांत्वना दे और उन लोगों को धीरज और समर्थन दे जिन्होंने अपने घरों को खो दिया है। बाढ़ ने इंडोनेशिया के कई द्वीपों में 119 लोगों की जान ले ली है। साथ ही पड़ोसी पूर्वी तिमोर में 27 लोग मारे गए हैं। इस क्षेत्र में अभी भी बारिश जारी है और करोड़ों लोग लापता हैं। कैथोलिक पुरोहित ने जीता प्राइड ऑफ गुजरात पुरस्कार। राजकोट 7 अप्रैल को एक कैथोलिक पुरोहित ने राज्य के मुख्यमंत्री नितिन पटेल से प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड प्राप्त किया। फादर जोमन थोमना वर्तमान में राजकोट के क्राइस्ट एजुकेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निर्देशक और राजकोट के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के निर्देशक थे। क्राइस्ट अस्पताल गुजरात में पहला कोविड 19 स्वास्थ्य सेवा संस्थान था। इसने महामारी के दौरान राजकोट में सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल सुविधा विकसित की है। यह पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों और कंपनियों को उनके अनुकरणीय उपलब्धियों और आर्थिक और औद्योगिक विकास, समाज, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान के लिए दिया जाता है। रायपुर के महाधर्माध्यक्ष ने हमले की निंदा करते हुए वार्ता की अपील की। रायपुर के महाधर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों के शहीद होने के बाद नक्सलियों से वार्ता की अपील करते हुए हिंसा के अंत की मांग की है। रायपुर के महाधर्माध्यक्ष हेनरी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है, मैं अत्यंत दुखी हूँ कि हमारे सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए। इस तरह की हिंसा को किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। हम किसी विवाद या असहमति का हल वार्ता से कर सकते हैं। हिंसा द्वारा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की अनंत शांति एवं दुखित परिवार वालों की सांत्वना के लिए प्रार्थना की। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, वैक्सीनेशन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। देश भर में कोरोना से हालत खराब होती जा रही है। बुधवार को देश में रिकॉर्ड 1,26,265 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से अब तक ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर इतने लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसके अलावा बुधवार को 684 मरीजों की मौत हो गई और 59,129 लोग रिकवर हुए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और देश के बड़े वैज्ञानिक में शुमार प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि कोरोना के इस फेज की रफ्तार पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। मतलब इस फेज में ज़्यादा तेजी से लोगों के बीच संक्रमण फैलेगा। इसे रोकने के लिए केवल बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ही कारगर साबित होगी। देश की ज़्यादातर आबादी के बीच वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण का असर कम होने लगेगा। कोविड 19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उपवास।
कैथोलिक आर्चबिशप लियो कार्नेलियो कोविड-19 से खुद को बचाने की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक दिवसीय उपवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ शामिल हुए। भोपाल के आर्चबिशप लियो कार्नेलियो ने कहा, यह हमारा कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि हम खुद को और दूसरों को कोविड-19 के खतरे से बचाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की राजधानी भोपाल में 6 अप्रैल को विशेष रूप से तैयार कैंप में 24 घंटे का उपवास शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सभी को दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम मास्क पहनेंगे और दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आर्चबिशप लियो कार्नेलियो कई धार्मिक नेताओं में से थे जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ उपवास किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।